नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य नाझा इंस्पायर टू हिंदी से, और आज हम बात करने वाले हैं थॉमसन 44K टीवी के बारे में। तो दोस्तों, ये थॉमसन का नया टीवी है जो कि एक 40 इंच का 4K स्मार्ट टीवी है। ये थॉमसन की एक मतलब कोशिश रही है कि एक सही सा सस्ता सा टीवी दिया जाए जो कि 40 इंच का हो और 4K टीवी भी हो। आप इसका जब लास्ट में प्राइस सुनेंगे तो हिल जाएंगे। ये जो है ये यूट्यूब पे भी 4K स्ट्रीमिंग को सपोर्ट करता है और इन लोगों का टारगेट है कि ये 6-7% मार्केट शेयर हासिल कर ले 2020 तक। अगर आप सारे पोर्ट्स वगैरह देखेंगे तो इसमें USB पोर्ट दे रखे हैं, HDMI पोर्ट 3-3 हैं और भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। 102 सेंटीमीटर का ये टेलीविजन है पूरा ये, तो जैसे आप HDMI पोर्ट्स देख सकते हैं, 3-3 HDMI पोर्ट है। नीचे पूरा ऑडियो के लिए सेटअप है अलग से, आप इसमें केबल की तार भी लगा सकते हैं और इसमें LAN केबल भी लगा सकते हैं और 3.5mm जैक भी है इसमें। इसके अंदर सैमसंग का डिस्प्ले पैनल इस्तेमाल किया गया है जो कि काफ़ी सही है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। यह टीवी जो है ये Android 7.1 के साथ आता है। इसमें आप USB से कोई भी जो भी लेटेस्ट फाइल्स होती है वो देख सकते हैं, यानी कि आप अपनी खुद की वीडियोस भी और या मूवीज़ भी इसमें देख सकते हैं। इसके अंदर एक TV असिस्टेंट एप्लीकेशन है और इसमें 6 प्रीलोडेड एप्लीकेशन आते हैं, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, हॉटस्टार वगैरह सब कुछ इसमें पहले से ही है। और अगर आप एक Amazon प्राइम वाले व्यूअर हैं तो आपके लिए भी बहुत सही चीज़ है ये। और इसके अलावा 18 भाषाओं में इसमें कॉन्टेंट जो है वो अवेलेबल है और मतलब जो इसका यूज़र इंटरफेस वगैरह वो भी काफ़ी हद तक ईजी है। 4K HDR कॉन्टेंट भी आप इस पर आराम से देख सकते हैं और इसके अंदर टॉप ट्रेंडिंग जो म्यूजिक, मूवी, टीवी शोज, वीडियोस वगैरह होते हैं वो भी उसी के ही UI में ही सामने की तरफ से आ जाते हैं। फीचर्स और सेटिंग्स की बात की जाए तो ये जो है अंदरूनी इसमें 8GB स्टोरेज है, 1GB इसमें रैम है और इसके अंदर माली 450 GPU है। ये जो टीवी है ये मतलब कैपेबल है 4K HDR प्ले करने के लिए और इसमें बाय डिफॉल्ट जो वॉलपेपर डाला आता है आप उसको भी काफी हद तक बदल सकते हैं अपनी श्रद्धा और इच्छा अनुसार। HDR मोड को आप ऑफ या ऑन कर सकते हैं, टीवी के नाम को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसमें डेट और टाइम की सेटिंग्स को भी छेड़छाड़ कर सकते हैं और नॉइस रिडक्शन किस हद तक होगी जो इंटरनल उसमें इमेज आप फीड कर रहे हैं वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी काफ़ी हद तक कई सारी चीज़ें अच्छी है, सराउंड वगैरह आप ऑफ या ऑन कर सकते हैं और इसके अंदर आप वायरलेस भी नेट इसमें यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसमें LAN केबल लगा के भी नेट यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे बढ़िया बढ़िया फीचर्स है इसमें और एक काफ़ी जानदार सा स्मार्ट टीवी लगा मुझे। इसके अलावा इसका जो रिमोट है आप देख सकते हैं ऐसा है इसका रिमोट और इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, एक इको मोड भी दे रखा है अलग सा इसमें थॉमसन का ये जो रिमोट आता है। और अगर आप इसको खोल के देखेंगे तो इसके अंदर AAA बैटरीज लगती हैं इसको मतलब चलाने के लिए, तो यानी कि अगर लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो उसमें आप ड्यूरासेल की 2 AAA बैटरी लगा दीजिए, लंबे समय तक रिमोट बिना दुखी करे आपको चलेगा। और आइए अब एक छोटा सा साउंड टेस्ट करते हैं। खुली जगह में होने की वजह से मैं 30 से ज़्यादा ऊपर वॉल्यूम नहीं कर पा रहा था, पर ये मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका ऑडियो मुझे काफ़ी तक सही लगा और इतना सही ऑडियो था कि वो एक पूरे रूम को भर दे रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं बैक पे इसका पैनल जो है वो उतना ज़्यादा पतला नहीं है, पर क्योंकि ये एक बहुत ही बढ़िया प्राइस पे उपलब्ध हो रहा है तो लुक सब कुछ नहीं मायने रखते इस परिस्थिति में। और इसके अंदर 3 दिन तक का वेदर रिपोर्ट भी मिल सकता है आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन का। और इसका जो पैनल है जैसे आप देख सकते हैं बेजल्स उतने ज़्यादा नहीं है इस पे। फ्लिपकार्ट पे यह टीवी जो है ये उपलब्ध होगा और थॉमसन एक काफ़ी पुरानी कंपनी रह चुकी है इंडिया में और जिसके CRT टीवी बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं, 90 के दशक से चले आ रहे हैं। इसका जो प्राइस होगा वो 21,000 रुपये होगा और ये 21,000 रुपये में उपलब्ध होने वाला एकमात्र 40 इंच का 4K टीवी है। और इस मामले में मेरे को बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगा कि इन्होंने इतने सारे फीचर इतने सही प्राइस पर दे रखे हैं। तो ये जो टीवी है ये सीधे कड़ी टक्कर लेता है Xiaomi वगैरह के टीवी से और इतने सारे फीचर्स इतने सही प्राइस में ये लोग दे रहे हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये टू गुड टू बी ट्रू है, कुछ ना कुछ कमी होगी। पर ऐसी बात मुझे लगती है कि शायद से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो पैसा बचाया होगा, पर एट द एंड ऑफ द डे एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है और एक बार चांस लेने का तो बनता है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, इंस्पायर टू हिंदी को सब्सक्राइब करें, नीचे वो एक छोटी सी प्यारी सी घंटी है उसको बजा दीजिए और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।